प्रदेश में बीजेपी कार्य समिति की बैठक चल रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोल रहे, सुनते हैं। लोकसभा चुनाव के पहले हम सब इस बात को जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में 2014, 2017, 2019 और 2022 में भारी सफलता प्राप्त करते हुए विपक्ष को उसकी वास्तविक स्थिति तक पहुंचाने का कार्य किया था और लगातार उस पर दबाव बनाए रखा था। कोई संदेह नहीं, 2014 में जितना मत प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था, 2017 में जितना मत प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था, 2022 में जितना मत प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था, 2024 में भी आप सभी कार्यकर्ताओं के संघर्ष से, प्रयास से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी उतना वोट पाने में सफल रही। लेकिन जैसा वोटों की शिफ्टिंग होती है और कहीं पर जब हम लोग ये मान करके चलते हैं कि आत्मविश्वास में कि हम तो जीत ही रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वहां पर कहीं ना कहीं हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है और वह अति आत्मविश्वास कहीं ना कहीं हम लोगों को जहां चोट पहुंचाने में, उस विश्वास पर खरा उतरने में, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने में, जहां कहीं ना कहीं उस विश्वास पर कहीं ना कहीं चोट पहुंची, वहीं साथ ही साथ जिस विपक्ष ने चुनाव के पहले हिम्मत हार करके बैठ गया था, वो आज फिर से उछल कूद करने का कार्य कर रहा है। बहनों और भाइयों, याद करिए 2022 का विधानसभा का चुनाव, 2022 का विधानसभा का चुनाव विपक्ष उछल कूद कर रहा था। चुनाव के तत्काल बाद आपने देखा होगा कैसे मारपीट पर उतारू हो गए थे और तब हर कार्यकर्ता इस बात को सोचता था कि वास्तव में हमारी सरकार का माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश का अभियान इन्हीं गुंडों के लिए है और उस उत्तर प्रदेश को आप सबके सहयोग से आज माफिया मुक्त करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। तो माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश के साथ साथ हमारे विचार परिवार का ये जो लंबा संघर्ष था, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हो, दुनिया भर के सनातन हिंदू धर्मावलंबी जिन आकांक्षाओं के साथ जी रहे थे, उन अपेक्षाओं पर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार ने खरा उतर करके अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर निर्माण के साथ साथ 500 वर्षों के बाद रामलला को विराजमान करने का काम भी किया। बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को किसी भी स्थिति में बैकफुट पर आने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी स्थिति में नहीं है, क्योंकि आपने कार्य किया है। आप विपक्ष में थे, जनता के मुद्दों को लेकर लड़ते थे, आज जब सरकार में थे तो याद करिए उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का ये वातावरण आपको आज देखने को मिल रहा होगा। याद करिए इसी मुहर्रम के समय में सड़कें खाली हो जाती थी, सूनी हो जाती थी, आज मुहर्रम आयोजित हो रहा है इसका पता भी नहीं लग रहा है। ताजिया के नाम पर घर तोड़े जाते थे, पीपल के पेड़ काटे जाते थे,
सड़कों के तार हटाए जाते थे, पुल तोड़ दिए जाते थे। आज कहा जाता है किसी गरीब की झोपड़ी नहीं हटेगी, आज कहा जाता है कोई तार नहीं हटेगा, आज कहा जाता है कि सरकार नियम बनाएगी, पर्व और त्योहार मनाना है तो इन नियमों के अंतर्गत मनाओ और नहीं तो अपने घर में बैठ जाओ। ये मनमानापन नहीं चल सकता है। और विधि का शासन कैसे होना चाहिए, सुशासन कैसे होना चाहिए, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने देश के अंदर करके दिखाया है। लोक कल्याणकारी कार्यों का परिणाम कितना हुआ कोई सोचता था? मैं याद है जब देश के अंदर कोरोना की हाट हुई थी, माननीय नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में वर्चुअल हम लोगों के साथ जुड़े थे और आपने एक ही बात कही कि देश संकट में है, मानवता संकट में है। हमारे लिए एक ही मंत्र है, प्रधानमंत्री जी का आदेश है, एक ही मंत्र है और वह मंत्र है सेवा ही संगठन है। यह केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया था। मुझे याद है कोरोना कालखंड में केवल भाजपा का कार्यकर्ता या राष्ट्रीय स्वयंसेवक का स्वयंसेवक सड़कों पर जनता जनार्दन की सेवा कर रहा था, अन्य किसी भी दल के किसी भी नेता का कोई अता पता नहीं था। कार्यकर्ताओं की बात तो दूर, आपने देश के अंदर 10 करोड़ गरीबों को मकान दिए, उत्तर प्रदेश में 56 लाख गरीबों को बिना भेदभाव के मकान दिए। हमने जो नारा दिया, मोदी जी ने जो नारा दिया कि सबका साथ और सबका विकास, हमने जाति मत और मजहब के आधार पर भेदभाव किसी के साथ नहीं किया। हम आज भी कह सकते हैं हमने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं किया, विकास के कार्यों के लिए भेदभाव नहीं किया। ये 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन आज भी मिल रहा है, क्या किसी जाति को मिल रहा है, किसी मत विशेष या किसी धर्म विशेष को मिल रहा है? भारतवासी है उसको राशन मिल रहा है। भारत पहला देश जिसने भूख से मौतें नहीं होने दी, बदहाली नहीं होने दी, आत्महत्या नहीं होने दी, किसी गरीब को सड़क पर भूखों से मरने के लिए मजबूर नहीं होने दिया। लेकिन उस सबके बावजूद भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगातार कार्य करता रहा, विपरीत परिस्थितियों में अपनी जान की परवाह किए बगैर लगातार कोरोना जैसी महामारी से जूझता रहा और सेवा को ही संगठन मान करके कार्य करने का परिणाम रहा कि जिस महामारी के सामने दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें नतमस्तक हो गई, उसी कोरोना को